गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पे जिसको बोलते हैं चिम्बुलाक। तो एक इट्स काइंड ऑफ यू नो माउंटेन के ऊपर है, तो वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ से पहले वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा बाई कार या फिर आप बाई बस भी जा सकते हो। सो गाइज जो जगह पे पहुँचना था मीडियो, तो वहाँ पे आ गया हूँ। ये जगह दिखती कैसी है, तो ये जो है अपने ये है माउंटेन्स और वही ये इसका कुछ एरिया जहाँ पे आके आपको ना टिकट्स लेनी है। ये आपको दिख रहा है कासा टिकट्स, मतलब कि भाई टिकट काउंटर ये है और वही ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अभी बज रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ आके मुझे पता चला है कि भाई ये शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे से शुरू होता है एक्चुअली ये गंडोला, जिसको बोलते हैं रोप वे दूसरी लैंग्वेज में। तो भाई ये जो आपको टिकट लेना है गंडोला का, तो इसका कुछ बाहर का एरिया ऐसा दिख रहा है। ये जूसन करके लिखा हुआ आपका दिख जाएगा जूसन। तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपने अभी देखे कि वो टिकट काउंटर से उधर ये है कुछ माउंटेन्स का एरिया और भाई ये देखना तो गाइज ये जो आदमी आपको दिख रहे हैं स्केटिंग करते हुए, तो ये है आइस स्केटिंग। तो ये जो है पूरा एरिया ये आइस स्केटिंग के लिए है। तो अगर भाई आपको इंटरेस्ट है, आपको आता है, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो मेडियू। तो भाई टिकट अपना ले लिया है यहाँ से मतलब चिम्बुलाक, और चिम्बुलाक से मतलब कॉम्बी 1 का लिया है, कॉम्बी 2 नहीं लिया है। मतलब एक ही स्टेशन देखूंगा और फिर वहां से आ जाऊंगा वापस। राउंड ट्रिप लिया है, ये मुझे पड़ा है 4500 टिंगे का, मतलब 800 रुपये के करीब है। ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, ले सकते हैं, अच्छा व्यू मिलेगा ऊपर से। तो जाते ऊपर और देखते हैं कि भाई कैसा है नज़ारा वहाँ का। तो गाइज यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि रोपवे में गंडोला में जाने के लिए कि गंडोला आपको फुल करना पड़ेगा। आप अकेले भी हो, आप दो लोग के साथ भी हो, तो भी आप जा सकते हो। तो अभी देखो, अभी मैं जा रहा हूँ, ये अभी अपना पर्सनल गंडोला है। भाई अभी अपना ये पर्सनल गंडोला है, कोई भी नहीं है इधर। भाई चला देख रहे हो ये अपना स्केटिंग रिंग है। तो ये अभी हमें गंडोला में से दिख रहा है, तो भाई वहाँ से चढ़े थे, ये जो आपको दिख रहा है, पर ये अभी बहुत दूर है। ये देखो, ओ भाई साहब, जैसे गोंडोला में से निकलोगे तो ये ऐसा कुछ एरिया है यहाँ पे, ये आपको दिखेगा। तो भाई ये कुछ जगह है चिम्बुलाक का एरिया, सूरज निकला हुआ है पर बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है, बर्फ़ भी दिख रही है आपको। तो ये जो महीना है ये मतलब घूमने के लिए आने के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आपको मतलब बर्फ़बारी देखनी है तो आप विंटर के टाइम में आइए, तो वो भी अच्छा रहता है इधर, तो उसका भी अलग एक्सपीरियंस है। पर भाई
ये भी एक खास चीज़ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये एटमॉस्फियर सूट हो रहा है। तो गाइस ये जो अपना शिमुलवक का जो पॉइंट था, वहाँ से अभी वापस ये गंडोला में आ गए और यहाँ से जाते हैं कास्पी वन। तो ये आप देख रहे हो, ये है कॉम्बी वन, तो यहाँ तक आएगी और यहाँ से वापस आप जा सकते हो। पीछे का नज़ारा देख लो भाई, स्कीइंग करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो गाइस ये बर्फ में आ गए अभी, ये देखो, और वही कजाकिस्तान का पहला बर्फ। वाओ, तो भाई जो भी था यही था। कॉम्बी वन चल रहा है, कॉम्बी टू ये अभी मेरे पीछे देख रहे हो, तो ये अंडर मेंटेनेंस है। तो मतलब कॉम्बी टू मतलब कि आप ऊपर नहीं जा सकते हो, कॉम्बी वन तक ही आप आ सकते हो। पर फ्यूचर में अगर आप आते हो तो शायद ये चालू हो जाएगा और आपको यहाँ से भी मतलब ऊपर जाना है तो जा सकते हो। पर मुझे लगता है तब तक कि अभी समर का टाइम है, तो इसलिए इन्होंने ना अभी थोड़ा मेंटेनेंस के लिए ये बंद रखा हुआ है। मतलब कि सबसे जो ऊँची हाइट वाला जो है कॉम्बी टू, तो वो बंद करके उनका मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो यही रीज़न एक हो सकता है। बाकी पीछे का नज़ारा बढ़िया है, बहुत बढ़िया। फ़ोटो वीडियो आप ले सकते हो, टिकटॉक के भी वीडियो बना सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, चॉइस इज़ योर्स। आपको टाइम कैसे स्पेंड करना है, अकेले भी आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, कंप्लीट एंटरटेनमेंट है। पैसा वसूल है भाई, 4500 टेंगे टू वे का, जिसमें मैंने दो गंडोला चेंज किए, तो भाई वर्थ इट है। 700-800 रुपये का पड़ा, पर खराश हो खराश हो। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो कि आप शिमला जाते हो ना, तो बेटर कि आप कॉम्बी वन ना लें, ये जो है गंडोला, उससे बेटर ये एक फ्यूनिकुलर है जिसको बोलते हैं कॉट फोर, तो वो ले लें। मतलब कि चार लोग बैठ के जा सकते हैं इसमें एक साथ, तो भाई ये बहुत ही बढ़िया। मतलब कि ओपन है, खुले में आप बैठ के जा सकते हो, देख सकते हो कि भाई क्या है। तो चॉइस इज़ योर्स कि भाई आपको गंडोला में जाना है या फिर इसमें जाना है। फ्यूनिकुलर अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, तो आप लीजिएगा टिकट शिमुलाक एंड कॉट फोर, सो वो है बेस्ट।